इस पर चर्चा हम करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में बिल गिरेगा और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इसके विरुद्ध में वोट करेगा। हरियाणा के नूह में जो सांप्रदायिक हिंसा भड़की, उसका असर हरियाणा के अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीति इस पूरे मसले पर तेज हो गई है। संसद से लेके हरियाणा के राजनीतिक गलियारों तक बवाल मचा हुआ। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता। सर, आपने फिर से इस मुद्दे को आज संसद के अंदर उठाने के लिए जीरो आवर का नोटिस दिया है। देखिए, आज जीरो आवर का नोटिस भी दिया है, 267 में भी नोटिस दिया है कि मणिपुर और हरियाणा पर चर्चा की जाए और जीरो आवर पर हरियाणा पर चर्चा की जाए। कल हम राष्ट्रपति जी को भी ये बात कही थी कि हरियाणा के अंदर जो आग फैलती जा रही है इसको कंट्रोल कराने के लिए निर्देश दें, परंतु हरियाणा के मुख्यमंत्री ये कहते कि मैं सबकी सुरक्षा नहीं कर सकता, सबके लिए मेरे पास पर्याप्त पुलिस नहीं है। बहुत दुखद बात है कि 2014 में, 2016 में, 2017 में जब जब हरियाणा में दंगे हुए ये मुख्यमंत्री फेल साबित हुए, और यही बात आज मेवात से लेके आग हरियाणा आधा हरियाणा के अंदर फैल चुके हैं, आधे जिलों के अंदर फैल चुके हैं, परंतु इनके सांसद, इनके मंत्री, इनके उप मुख्यमंत्री, इनके लोग विधानसभा के अध्यक्ष तो अलग अलग बयान देते हैं। साजिश का इनको मालूम था ये साजिश हो रही है, सिक्योरिटीज ने इनपुट दे रखा था, जानबूझ के वो ढील छोड़ी गई और आज पूरे हरियाणा को आग के हवाले कर दिया। सर, आज तक की रिपोर्ट्स में लगातार ये वीडियो में दिखाया कि किस तरह से वेपन्स थे दोनों पक्षों के लोगों के पास, तो ये आप लोग इसको कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, लेकिन मुख्यमंत्री का जो बयान है कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दी जा सकती, इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी क्या विरोध प्रदर्शन करने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री की ये बहुत कमजोरी की बात है, हर व्यक्ति को सुरक्षा देना तो सरकार का दायित्व बनता है, और जब दंगे हो रहे हो तब तो विशेषकर ये विश्वास पैदा करना चाहिए कि सुरक्षा के लिए सरकार बैठी हुई है। अगर उस समय सरकार ये कहे मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चाहते हैं कि लोग अपनी सुरक्षा के लिए हथियारों का इंतजाम करें, पत्थरों का इंतजाम करें, डंडों का इंतजाम करें, लाठी का इंतजाम करें, अपने अपने घरों में खुद इंतजाम करें। मुख्यमंत्री जी का ये बयान बहुत ही हास्यास्पद है, और इसीलिए मैंने आज राज्यसभा में नोटिस भी दिया है कि हरियाणा की स्थिति पर चर्चा की जाए। की भी खबरें आ रही हैं सर, लोग डर पलायन, तो गुड़गावा जैसे मिलेनियम सिटी से लोग अपने अपने गाँव के अंदर जाने लगे हैं कि गाँव वालों ने बुला लिया है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, डर है, आप वापस आ जाओ जब तक शांति नहीं बनती। सर, लोकसभा में दिल्ली का सर्विसेज बिल जो है वो आज डिस्कशन के लिए लाया जाएगा और इसके साथ संभावना है कि पेश भी हो जाएगा। आपके पास नंबर्स नहीं है लोकसभा में, तो क्या एक बार फिर से विपक्ष की तरफ से, इंडिया ब्लॉक की तरफ से जब चर्चा के लिए दिल्ली सर्विसेज बिल लाया जाता है तो हंगामा होगा, इसकी उम्मीद की जाए? इस पर चर्चा हम करेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि राज्यसभा में बिल गिरेगा और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इसके विरुद्ध में वोट करेगा।